नमस्ते, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 6। वी विल कंटिन्यू आवर स्टोरी कॉर्निलॉफ एंड द थ्री बेयर्स। यस, तो हमने प्रीवियस वीडियो में न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, रीडिंग इज फन, लेट्स रीड, हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? ओके, सो नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद लेट्स टॉक। अब हमें टॉकिंग करनी है, राइट? ओके, सो नाउ प्लीज डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन पेज नंबर 10010। यस, वहां पे आप देख सकते हो क्या है बेटा, नीचे लास्ट में लेट्स टॉक। नाउ वी हैव टू टॉक। ओके, सो सम क्वेश्चंस आई विल आस्क यू एंड यू हैव टू गिव मी द राइट आंसर। विच यू फील, विच यू सॉ, जो आपने देखा है, सुना है और आपने महसूस किया है, वही चीज तो आपको मुझे कहनी है। डू यू लाइक टू टॉकिंग विद मी? आपको मेरे साथ बातें करनी पसंद है, राइट? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी, लेट्स टॉक। ओके, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? क्या आपने फॉरेस्ट देखा है? यस और नो? हाँ, देखा है तो आप कह सकते हो यस मैम, मैंने देखा है, और आपने नहीं देखा है तो ऐसे भी कह रहे हैं नो मैम, आई डिडंट सी, राइट? ओके, तो अब देखते हैं, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी देयर? आपने फॉरेस्ट देखा है? यस, इफ योर आंसर इज यस, आपने देखा है, तो आपने वहां पे क्या क्या देखा है, कौन बताएगा? यस, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नजदीक में ही कौन सा फॉरेस्ट है? सासन। यस, तो सासन में तो ज्यादातर आपने वेकेशन में आप जाते ही होंगे, आपने देखा ही होगा, राइट? देवरिया पार्क, हाँ, वो वहां पे फॉरेस्ट में आप जाते हो तो आपने जो नेचुरली देखा है, इट मीन्स व्हाट डिड यू सो दैट, आपने जो जो चीज वहां पे देखी है वही आपको मुझे कहनी है, राइट? यू हैव टू प्रिपेयर दिस आंसर्स वेरी नाइसली, राइट? आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है जो आपने देखा है। Which things you saw? Just you have to write down that. बस आपने जो देखा है वही आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। Did you see trees? फिर आपने क्या देखा होगा? Different different animals, different trees, and वहां पे आपने trees के हर एक tree अलग अलग होते हैं, आपने वो भी नोटिस किया होगा। एनिमल्स देखे होंगे और एनिमल्स कैसे हैं, रन कर रहे थे, बैठे हुए थे, ये सब आपने नोटिस किया होगा, आपने सब ऑब्जर्व किया होगा। जस्ट दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट क्वेश्चन, राइट? ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वी विल स्टार्ट। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन द टेबल। वहां पे आप पिक्चर देख सकते हो, आपकी बुक में पिक्चर है, एक टेबल है जहां पे एक प्लेट रखी हुई है, राइट? ओके, देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन द टेबल, यू वांट टू ईट सम स्वीट्स। आपको थोड़ी सी स्वीट्स खानी है, टेबल पे स्वीट की प्लेट रखी हुई है, जस्ट यू हैव टू ईट दैट स्वीट्स, सम स्वीट्स, थोड़ी सी स्वीट्स आपको खानी है। व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? हर एक की ट्रिक अलग अलग होती है, राइट? कोई शांति से ले लेगा, कोई प्लेट के पास जाके लेगा, कोई प्लेट को अपनी साइड खींच के लेगा, क्या करोगे आप? जस्ट योर आंसर, मुझे कोई बुक का आंसर नहीं चाहिए, जस्ट योर आंसर। आप क्या सोचते हो? द प्लेट, देयर इज अ प्लेट, प्लेट इज ऑन द टेबल, स्वीट की भरी हुई प्लेट है। जस्ट इमेजिन, आपको क्या पसंद है? लड्डू पसंद है, इमेजिन में रखो कि लड्डू है वहां पे। अगर आपको काजू कतली पसंद है तो आप ये भी सोच सकते हो। अगर आपको बर्फी, गुलाब जामुन, क्या पसंद है आपको? अभी अभी दिवाली गई है, मीन्स आप स्वीट्स के तो बहुत सारे नाम बोलोगे, मुझे पता ही है, आई नो दैट आपको स्वीट्स भी ज्यादा पसंद है। आपको ये इमेजिन करना है ना, दिस इज नॉट रियल। आप रियल ट्राई करोगे तो फिर मम्मा को पूछना पड़ेगा, राइट? ओके, ओके, देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन टेबल, यू वांट टू ईट सम स्वीट्स, एंड व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू?
डाउन करना है, आप कैसे स्वीट को खाओगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट, नेम फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम द बाउल, व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज। आप बाउल में कौन सी चीजें खाते हो, बाउल का यूज करके आप कौन सी चीजें खाते हो। आपने देखा होगा मम्मी आपको प्लेट में कौन सी चीजें सर्व करती है और बाउल में कौन सी चीजें सर्व करती है। आपने देखा होगा लिक्विड बेस पे होते हैं जैसे कि सूप, दाल, राइट। ये सारी चीजें जो होती है वो गिर ना जाए इसलिए मम्मी ज्यादातर बाउल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। बाउल का यूज करके आप कौन सी चीजें खाते हो वो यहाँ पे थिंग्स, वो आइटम्स जो खाते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड देन व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो बाउल को। ओके, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस। ओके, नाउ आई थिंक दिस थ्री क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर, यू कैन राइट देयर आंसर्स वेरी नाइस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस ऑल थ्री क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर, राइट। आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुके हैं तो आप बहुत अच्छे से इसके आंसर्स भी लिख सकोगे, राइट। ओके, सो दीज आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने ही वर्ड्स में इसके आंसर्स लिखने हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स एंजॉय लेट्स टॉक एक्टिविटी। Now dear students, after completing let's talk activity on page number 101, there you can see the next is let's act. Let's act में क्या करना है, हमें कुछ activity करनी है यहाँ पे। So first of all let's read the heading of it and then we will continue the lesson, right? Okay. Pretend that you are Goldilocks. Tell your friends what happened to you when you went into the bear's cottage. यानी कि आपको ऐसे मानना है कि आप Goldilocks हो। कौन हो? Goldilocks, right? और आपको ऐसे feel करना है, पहले तो एक act करना है जैसे कि आप Goldilocks हो और बाद में आपको क्या करना है, tell to your friends, आपको अपने friends को कहना है कि मैं Goldilocks हूँ, right? What happened to you when you went into the bear cottage? यानी कि आप जब कॉटेज में जाते हो, बेयर के कॉटेज में जाते हो तब क्या होता है, ये आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज, यानी कि आप जो स्टोरी कहने वाले हो एज अ Goldilocks, जैसे कि आप Goldilocks हो और आप स्टोरी कह रहे हो आपके फ्रेंड्स को, यू कैन से द स्टोरी इन योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरह से स्टोरी कह सकते हो। एंड देन इन इंग्लिश बिगिन लाइक दिस, जैसे कि आप बाद में आप अपनी लैंग्वेज में आपने ट्राई करने के बाद आपको ट्राई करना है इंग्लिश में, राइट। ओके, इंग्लिश में ट्राई आप कैसे करोगे, आई एम Goldilocks, मैं Goldilocks हूँ, आई हैव कर्ली हेयर, मेरे कर्ली कर्ली हेयर है, वन डे आई वॉज गोइंग टू फॉरेस्ट, देयर आई सॉ अ कॉटेज, स्मॉल कॉटेज, I was eager to see inside. What is there? I went there. It was a bear cottage, small bear family cottage. आप ऐसे explain कर सकते हो in English, right? Okay. This act you can do with your friends and family, right? After completing let's act activity, we will continue our let's write. अब हमें कुछ write करना है, okay? So now you can see there is a picture. चलो मैं दिखाती हूँ लेट्स राइट में, यहाँ पे आपको दिख रही थ्री पिक्चर्स, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, देयर यू कैन सी द बेयर फैमिली इज देयर। ओके, आपने बेयर फैमिली देखी थी, एक पापा थे जो यहाँ पे बैठे हुए थे, फिर मम्मा बेयर थी एंड देन बेबी बेयर, राइट। तो हमारे तो बेयर्स कलरफुल थे, जैसे कि पापा बेयर ब्राउन कलर के थे, बिग फैट, एंड देन मम्मा बेयर रेड कलर के, राइट। एंड देन छोटा छोटा सा बेबी सा टाइनी सा बेयर ब्लू कलर का था, राइट। ओके, तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जब देख रहे हो कि पापा बेयर
उनकी एक फ्रेम बनी है राइट, और सेम ममा बेयर उनकी एक फोटो की फ्रेम बनाई है और बेबी बेयर की भी एक फोटो फ्रेम बनी हुई है राइट। जस्ट यू हैव टू डू नाउ समथिंग अबाउट योर फैमिली। अब आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, क्या करना है, लेट्स सी। ब्रिंग अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आपको अपने फैमिली मेंबर्स में कौन कौन रहते हैं, फैमिली तो मेंबर्स से ही बनती है राइट। ओके, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, मम्मी है, डैडी है, पापा सॉरी ब्रदर है, सिस्टर है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, कौन कौन है। यस, जस्ट यू हैव टू कलेक्ट द फोटोज ऑफ देम। आपके उनको फोटोज कलेक्ट करने हैं राइट। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू लिसन केयरफुली राइट। ओके, टेक अ सम चार्ट पेपर्स। आपको चार्ट पेपर्स लेने हैं राइट। ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक अच्छा सा चार्ट पेपर लेना है राइट। ओके, राइट इट इन, अंदर लिखना है माय फैमिली। माय फैमिली लिखना है ऐसे हेडिंग करके, माय फैमिली। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, स्टिक पिक्चर्स ऑन योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट देयर नेम्स यूजिंग मिस्टर एंड मिसेस फॉर एल्डर पेपर्स राइट। आपको क्या करना है, चार्ट पेपर यहाँ पे, ये चार्ट पेपर है राइट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ चार्ट पेपर राइट। ओके, देयर यू हैव टू स्टिक अ पिक्चर। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बनाए हुए, आप अच्छी सी डिजाइन करके, मुझे पता है मेरे से तो आपको अच्छी अच्छी डिजाइन आती है, एंड यू कैन डेकोरेट वेरी नाइसली। आप बहुत अच्छे ग्लिटर्स, स्टोन्स, छोटे छोटे से स्टोन्स, और बहुत अच्छी तरह से आप उसको डिजाइन भी बना सकते हो, क्रिएटिव भी बना सकते हो। देन यू हैव टू स्टिक योर फादर्स फोटो, यहाँ पे आपको आपके पापा का फोटो स्टिक करना है, और दूसरी फ्रेम में आपके मम्मा का फोटो। मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ यहाँ पे 3 फ्रेम्स बनाई है राइट। आप उससे ज्यादा भी बना सकते हो, जितने आपके फैमिली में मेंबर्स है यू कैन यूज द फैमिली, उतनी आप फ्रेम्स बना सकते हो राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली 3 फ्रेम्स। ओके, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हियर यू हैव टू स्टिक योर फादर्स फोटो, यहाँ पे पापा का फोटो लगा है, एंड देन योर मदर्स फोटो एंड योर फोटो। नाउ यू हैव टू गिव द नेम ऑफ देयर, जैसे कि आपका आपके फादर का नेम है सुनील, सुनील भाई है राइट, तो आप कैसे लिखोगे, यू हैव टू स्टार्ट मिस्टर। मैंने आपको पहले के वीडियो में जब आपने मिस्टर नोबडी का जो हमने पोयम कंप्लीट की थी तब मैंने आपको सिखाया था, आप फादर मदर के लिए ग्रैंड फादर के नेम के आगे, ग्रैंड मदर के नेम के आगे भी आप मिस्टर लगा सकते हो, और वुमन लेडीज के लिए हम लगाते हैं मिसेस राइट। ये तो आपको पता ही है, तो जस्ट आपको यही करना है, यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम के। मैंने यहाँ पे मिस्टर करके ब्लैंक लिखी है, तो आपको क्या करना है, मिस्टर सुनील भाई आप लिख सकते हो राइट। ओके, और यहाँ पे आपने यहाँ यू हैव स्टिक हियर योर मदर्स फोटो, आपने यहाँ पे मम्मा का पिक्चर लगाया है, तो आप क्या लिखोगे, मैंने यहाँ पे MRS लिखा है, इट मीन्स मिसेस, मिसेस प्रिया, यू कैन राइट मिस्टर सुनील, मिसेस प्रिया। ओके, दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं कह रही हूँ। आपके आपको इस चार्ट पे आपके मम्मी डैडी का नेम राइट डाउन करना है और आपके मम्मी डैडी का फोटो लगाना है राइट। एंड देन नेक्स्ट लास्ट वन, यहाँ पे जो फ्रेम मैंने बनाया है दिस इज फॉर यू, यहाँ पे यू हैव टू स्टिक योर पिक्चर। ओके, एंड लास्ट, एंड देन यू कैन राइट दिस इज मी, ये तो मैं हाँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर बियर फैमिली में 3 मेंबर्स है, पापा बेयर, मम्मा बेयर एंड बेबी बेयर, सो मैंने भी ऐसे कि एक एग्जाम्पल 3 पिक्चर्स पे और 3 मेंबर्स पे मैंने बनाया है राइट। ओके, स्टिक योर पिक्चर्स अंडर इट एंड राइट योर नेम्स, और आपने यहाँ पे दिस इज मी एंड यू कैन राइट योर नेम, बहुत अच्छे हैंडराइटिंग से आप अपना नेम यहाँ पे लिख सकते हो राइट। ओके, सो नाउ दिस एक्टिविटी यू हैव टू कम्प्लीट एट योर होम राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड लेट्स स्टॉप एक्टिविटी, लेट्स एक्ट एक्टिविटी एंड लेट्स राइट एक्टिविटी इन दिस वीडियो। प्लीज ट्राई टू डू दिस एट योर होम एंड एंजॉय इट विथ योर फैमिली।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।